नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ती हिंसा, अपराध व बलात्कार के खिलाफ समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ आई आगे, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ ने कल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ती अराजकता, हिंसा व अपराध व बलात्कार के खिलाफ राज्यपाल को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया कर्मियों से हुई बातचीत में समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि भाजपा की सरकार के द्वारा दिया गया नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो था, लेकिन वो फेल साबित हो गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड पॉस्को एक्ट का प्रचार प्रसार इस तरह किया गया जैसे महिलाओं से संबंधित सभी अपराध समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आज परिस्थितियां उल्टी होती जा रही है और बहन बेटियों का घर से निकलना दूभर हो गया। दिन दहाड़े अपहरण व सामूहिक बलात्कार की घटना बढ़ती जा रही है। इस अवसर पर अनीता चौहान, मुन्नी चौहान, सपना निषाद आदि महिलाएं उपस्थित थीं। महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ इतना अत्याचार उत्पीड़न इतना बढ़ गया है कि हम लोग महिलाएं जो समाजवादी पार्टी संगठन की सारी महिलाएं हमारे साथ हैं, जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ कंधे से कंधे साथ मिलाकर चलने का काम कर रही हैं। हमारा इतना ही कहने का मतलब है कि बहन और बेटियां जो घर से निकल रही हैं वो इतना भयभीत हो चुकी हैं कि बाहर निकलने से डर रही हैं, और जो अभी हाल ही में कानपुर का घटना जो हुई है उसके बारे में ये योगी सरकार जी क्या कर रहे हैं, किस तरह महिलाओं के साथ ऐसा ऐसा शोषण हो रहा है कानपुर बालिका गृह में, और योगी सरकार जी और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा कहाँ गया? नारा क्या मांगे? हमारी मांगे यही है कि बहन बेटी सुरक्षित रहें, और कैसे रहेंगे, कैसे सरकार ये लोग चलाएंगे कि बहन बेटी सुरक्षित रहें। कितना हम लोग सुरक्षित होने का नारा लगाएं कि हम लोग बहन बेटियों को पढ़ने के लिए भेज दें, नहीं कहीं कॉलेज में जा रही हैं, नहीं कहीं कोचिंग के लिए जा रही हैं। इतना भयभीत हो चुकी हैं कि बहन बेटियां घर से निकलना मुमकिन हो गया है, ये योगी सरकार कर क्या रही है